Hello guys, we are starting today number system. What is number system and what steps it uses? हम आज number system के बारे में बात करेंगे. Number system को हिंदी में संख्या पद्धति के नाम से जाना जाता है. संख्या पद्धति का मतलब ये होता है कि किसी भी numbers को उसके order में arrange करना. The arrangement of numbers is called number system. कि numbers का जो arrangement है, संख्याओं का जो निरूपण है, वो एक सिस्टम के द्वारा प्रदर्शित किया जाने की पद्धति को हम क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं. और अगर हम बात करें इसमें, तो हम सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर की. रियल नंबर क्या होता है? द नंबर्स विच एग्जिस्ट इन नेचर, द नंबर्स विच एग्जिस्ट इन नेचर कॉल्ड रियल नंबर. कि वे सभी संख्याएं जो क्या होती है, जिनका अस्तित्व होता है, ऐसी सभी संख्याएं जिनका अस्तित्व होता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो नेचर में क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, रियल नंबर कहलाती हैं. अब हम बात करते हैं इसके जस्ट बिलो इमेजिनरी नंबर की. इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स विच डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर. द नंबर्स विच डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर. फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट माइनस 1, स्क्वायर रूट माइनस 2, स्क्वायर रूट माइनस 3, स्क्वायर रूट माइनस 4. तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी नंबर्स हो जाएंगे. क्लियर है? अब बात करते हैं इसके चैप्टर इवन नंबर्स की. कि इवन नंबर्स क्या होंगे? तो द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2, ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से क्या हो, तोड़ते हो, विभाजित हो जाएं, ऐसे नंबर्स का संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं, यानी सम संख्या कहते हैं. फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 20, 12, ये ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से क्या हो रही हैं, पूर्ण रूप से विभाजित हो रही हैं, सम संख्या कहलाती है. ऑड नंबर्स की बात करें तो ऑड नंबर में क्या, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, विषम संख्या कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, etc. अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की. कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर जैसे भाई हिंदी में बात की जाए तो अभाज्य संख्याएं. तो अभाज्य संख्याओं में के बारे में बात कहा गया है कि वह सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी यदि वह एक से या अपने आप से क्या हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए. तो ऐसी सभी संख्याएं द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, the numbers which is divisible by 1 or itself called prime numbers. कि ऐसे सभी संख्याएं जो एक से या अपने आप से पूर्ण रूप से क्या होती हैं, विभाजित हो जाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है. उदाहरण के तौर पर 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि. अब अगर हम सबसे न्यूनतम अभाज्य संख्या की बात करें, न्यूनतम अभाज्य संख्या कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, लीस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो लीस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड. और जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है उसे ज्ञात नहीं किया जा सकता. ये तो हमारा बेसिक टॉपिक था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. अब हमको जो चैप्टर पढ़ना है, जिसके बारे में पढ़ना है, हम उसके बारे में बात करते हैं. तो हम रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे. तो रियल नंबर हमारा दो तरीके से विभाजित हो जाता है, दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है. पहला तो रेशनल नंबर और रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल को हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है. रेशनल नंबर्स को हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है. इसमें कहा गया है कि द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q, कि ऐसे सभी संख्याएं जिनको p by q के फॉर्म में यानी p by q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q 0 के बराबर ना हो, वह सभी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी. द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q इज कॉल्ड रेशनल नंबर. वे सभी संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है, जहां q 0 के बराबर नहीं है. अब q 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो q 0 से बड़ा हो जाएगा या फिर q 0 से छोटा हो जाएगा, लेकिन q 0 के कहीं बराबर नहीं होगा. अगर q 0 के बराबर हो जाएगा तो वो संख्या क्या होगी? अनंत हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, ना तो वो रेशनल में रहेगी और ना ही इररेशनल में रहेगी. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4,
वन कॉमा वन बाई टू कॉमा थ्री बाई फोर कॉमा फाइव बाई सिक्स कॉमा सेवन बाई एट इट इज दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ऐसे सभी संख्याएं जिनके हम जिनको हम क्या करते हैं पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय संख्या कहलाती है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऐसी सभी संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाय q कॉल्ड रेशनल नंबर वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0, जहां q 0 के बराबर कभी भी नहीं होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ आइदर q इज ग्रेटर देन 0 और q इज लेस देन 0, या तो q 0 से बड़ा होगा या फिर q 0 से छोटा होगा। इरेशनल नंबर की बात की जाए, इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो, ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि परिमेय संख्या में जो डिनोमिनेटर है वो क्यों क्या जीरो के बराबर ना हो तो अपरिमेय हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू, ऐसी सभी संख्या जिनको पी बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, जैसे 1.4, 1.4, 1.7, 3.2, 3.2, 3.2, तो ऐसी संख्या को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कॉल्ड इरेशनल नंबर, तो ऐसी सभी संख्या क्या कहलाती है इरेशनल नंबर कहलाती है, जैसे 0। अगर हम बात करें तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ले लिया जाए एग्जाम्पल निकल लिया जाए 0.0020002000020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 00002
होगी या अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसको p by q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब कुछ ऐसे तत्व हैं जो परिमेय संख्याएं से रिलेट करते हैं, पॉइंट्स रिलेटेड टू रेशनल नंबर, ऐसे कुछ तत्व हैं जो रेशनल नंबर से क्या रिलेट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, अ नंबर इज अ रेशनल नंबर इफ इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। कोई रेशनल नंबर तब रेशनल नंबर होगा जब उसका डिनोमिनेटर क्या हो, जीरो के इक्वल ना हो, सच दैट डिनोमिनेटर आइदर ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, या डिनोमिनेटर उसका या तो जीरो से छोटा हो जाए या फिर जीरो से बड़ा हो जाए। दूसरा पॉइंट, जीरो इज अ रेशनल नंबर, कि जीरो के अपने शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। जीरो इज अ रेशनल नंबर व्हेन इट्स डिनोमिनेटर इज आइदर ग्रेटर देन जीरो, कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा या तो आइदर ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। जीरो का भी डिनोमिनेटर क्या हो, जीरो को जब व्यक्त किया जाए रेशनल नंबर के रूप में तो जीरो बाई जीरो नहीं लिखा जा सकता। जीरो बाई जीरो अगर हम लिखते हैं तो जीरो बाई जीरो इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड नंबर्स, और ये क्या होंगे, ये रेशनल नंबर कभी नहीं होंगे, ये लिखना गलत हो जाएगा। तो जीरो को लिखने के लिए क्या करते हैं, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म जीरो बाई वन कमा जीरो बाई टू कमा जीरो बाई माइनस फोर जीरो कमा माइनस फाइव जीरो कमा इट इज, ऐसे बहुत सारे नंबर। थर्ड पार्टी की अगर हम बात करें, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर बट इट्स वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू, कि हर एक रेशनल नंबर प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं। चौथा पॉइंट, अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो एवरी इंटीजर्स इज अ रियल नंबर। अब इंटीजर्स में आपका प्लस नंबर भी आएंगे, माइनस भी आएंगे, जीरो भी आएंगे, तो एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक क्या होगा, वास्तविक संख्या है। एंड एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, और एवरी इंटीजर क्या है, प्रत्येक पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या है। होल नंबर के बारे में बात की जाए कि होल नंबर क्या है, तो होल नंबर 0 to 9, होल नंबर जो है पूर्ण संख्या जो है वो हमारी 0 से
9 तक की सभी संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। तो अगर होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं के बारे में बात की जाए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स की। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत हो जाना, बाहर हो जाना। और कोई नंबर टर्मिनेट तब होगा जब उसका डिनोमिनेटर क्या हो? 2 × 2^5। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स की। टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स हूज डिनोमिनेटर हैविंग द फैक्टर 2^m and 5^n, the numbers whose denominator in the form of factor 2^m into 5^n called terminating numbers। ऐसे नंबर क्या होंगे? टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाएंगे। तो ऐसे नंबर क्या होंगे? टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए तो 13/3125 इज अ टर्मिनेटिंग नंबर्स, इज अ टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स बिकॉज इट कैन बी रिटर्न, it can be written, it can be written in the form 13/2^5 / 5/5. And 2^5 and 5^5 is a, and this is the reason the numbers, this is the reason that 13/3125 is a terminating number, non terminating number। whose denominator
फॉर्म ऑफ फैक्टर टू टू पावर एन इंटू फाइव टू पावर एन कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नंबर्स फॉर एग्जाम्पल थर्टीन बाई टू हंड्रेड फोर्टी थ्री इज नॉट अ टर्मिनेटिंग नंबर टर्मिनेटिंग नंबर बिकॉज it does not have factor of have factor of 2 to power n into 5 to power n in the denominator in the denominator कि ऐसे नंबर जिनके डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या 2 टू पावर n टू 5 टू पावर n के फॉर्म में ना हो तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं इज इट क्लियर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम एंड टुमॉरो द नेक्स्ट क्लास रिलेटेड टू नंबर सिस्टम विल फॉर्म यू